आप फुल पेमेंट चार्ज कर लीजिए। लोग डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं, पता है क्यों? क्योंकि वो उनकी जान बचाते हैं। बट जब बात बिल भरने की आती है तो तुम जैसे कुछ डॉक्टर डेंगू के खतरनाक मच्छर की तरह बन जाते हैं और उस पेशेंट की फैमिली का खून चूसने लगते हैं। गलत बात है। तो मिस्टर मच्छर, एक माँ अपने बच्चे के लिए किसी के सामने भीख भी मांग सकती है, गिड़गिड़ा भी सकती है। तुमने एक माँ के प्यार को ड्रामा बोल दिया, एक माँ का तमाशा बनाया सबके सामने, इतनी इंसल्ट। हेलो, मुझे माँ की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं है। वाओ, इमोशंस के साथ साथ गट्स भी है। सीधा खड़ूस के सामने जाके खड़ा हो गया, मेरे तरफ से कबूल है सारा। ए, ट्विंकल, सॉरी नियति। अब पर तुम कैसे आदमी के साथ काम करती हो, मतलब इमोशनलेस, हार्टलेस, और तुम्हारी बात भी बीच में से काट दी। अब एक बार बताओ कि चैरिटी एडमिशन पर हो या डिस्चार्ज पर, क्या फर्क पड़ता है? क्यों भाई? और मिस्टर मच्छर, पता है तुम जैसे लोगों को हमारे यूपी में क्या बोलते हैं? अबे एकदम बुड़बक होगा बे। ए, क्या हो गया? आराम से। वैसे तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है? अगर मैंने एक कॉल यूपी में लगाया ना, तो कल से पूरा हॉस्पिटल मेरा हो जाएगा। ओ मैं समाचार, तेरी तो हमेशा हमेशा के लिए छुट्टी पक्की। सुपिन। बिल्कुल, लाइए। थैंक यू। क्या नाम बताया हॉस्पिटल का? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। दीदी, अभी मन्यू का क्रेडिट कार्ड एक हॉस्पिटल में यूज हुआ है, हमें तुरंत चलना चाहिए वहां। हॉस्पिटल में? जी यार, रिच भी है। सायरा, उसने सबके सामने डॉक्टर आनंद को थप्पड़ मारा है। मुंशी आनंद को सही नाम दिया है। अब आप बेफिक्र हो जाइए, सारा बिल जमा हो चुका है, अभी आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अपने बच्चे को आराम से लेके घर जाइए। थैंक यू। अरे ये क्या कर रही हैं आप? मैं आपके बेटे के समान हूं, मुझे शर्मिंदा ना करें। कितनी भाग्यशाली होगी ओ माँ, जिसका तुम्हारे जैसा बेटा हो। थोड़ा जल्दी चलेंगे ना भैया? पहली बात कि हम दोनों को किस्मत ने मिलवाया। दूसरी बात, मतलब अब तक तो तुम मुझसे इंप्रेस हो चुकी होंगी। मतलब मैं रिच हूं, मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी अच्छा है, और मैं थोड़ा सा हैंडसम भी दिखता हूँ, नहीं? तू सायरा? सुभान अल्लाह। शुक्रिया शुक्रिया। नियति, इसके तो कान भी कुछ दुरुस्त है। अब मैं इधर उधर की बातें किए बिना सीधा मुद्दे पर आता हूं। आई लव यू। वैसे तो मेरे पास बहुत सारी बातें हैं तुमसे करने के लिए, पर वो क्या है ना कि अभी मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ इससे ज्यादा। तो हम आज शाम को वहीं मिलेंगे जहाँ हमारी पहली मुलाकात हुई थी। ओके, सी यू ट्विंकल। नियति,
नियति का बॉयफ्रेंड है क्या? ये नियति का बॉयफ्रेंड तो नहीं है कहीं? क्या ये नियति का बॉयफ्रेंड है? सच में? हाँ हाँ बिल्कुल। क्या बात तभी तो ऐसी सी बातें हो रही है। नियति तो उससे ज्यादा बात नहीं करती। अच्छा तुम्हें कैसे पता? मुझे माफ कर देना माँ, मैं जानता हूं कि मैं तुझे परेशान कर रहा हूं, पर मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। मैं इतने सालों से नियति को अपने दिल की बात नहीं बता पाया दैट आई लव हर, और ये अभी मन जो नियति को ठीक से जानता तक नहीं है, उसने इतनी आसानी से उसे आई लव यू बोल दिया। आई लव यू। तुम जैसे कुछ डॉक्टर डेंगू के खतरनाक मच्छर की तरह बन जाते हैं और उसके पेशेंट की फैमिली का खून चूसने लगते हैं। कम इन। सर आपने बुलाया? Congratulations. हॉस्पिटल को लवर्स पॉइंट बना दिया है तुमने। वैसे कब से चल रहा है तुम दोनों का अफेयर? सर मैं उसे ठीक से जानती भी नहीं। ठीक से जानती तक नहीं हो और उसने तुम्हें सबके सामने प्रपोज भी कर दिया। नियति, ना तो मुझे ये सब पसंद है और ना ही मैं इस हॉस्पिटल में ये सब टॉलरेट करूंगा। Excuse me. मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए जो मुझे सही लगा मैंने वही किया है। इस हॉस्पिटल में जो भी कुछ हुआ है वो सब मैंने आंटी को बता दिया है। हेलो मम्मी। वो तो कह रही थी कि तेरे और उस अभिमन्यु के बीच में कुछ नहीं है, तो फिर हॉस्पिटल में सबके सामने उसने तुझसे आई लव यू क्यों बोला? बेटा तू अपने पापा को बेवकूफ बना सकती है पर मुझे नहीं, मुझे तो कल रात को ही शक हो गया था। मम्मी मेरी बात तो सुनो। ये सब क्या बदतमीजी है? हम डॉक्टर और ये हॉस्पिटल चलाता हूँ और आप लोग विदाउट एनी परमिशन मेरे कैबिन में आए कैसे? डॉक्टर साहब मेरी भैया, वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस बट वी नीड योर हेल्प डॉक्टर। हेल्प? यस। आधे घंटे पहले जिस लड़के ने आपके यहाँ 6 लाख की पेमेंट की है वो कहाँ मिलेगा? आप लोग है कौन? जी मैं उस लड़के की माँ हूँ, मनोरमा, और ये उनके मामा हैं दिनकर। क्या बता सकते हैं वो कहाँ मिलेगा? हम लोग पिछले 6 महीने से उसे ढूंढ रहे हैं। पर आप लोग उसे पिछले 6 महीने से ढूंढ क्यों रहे हैं? दरअसल वो घर से भागा हुआ है।
प्लीज मुझे बताइए डॉक्टर, मेरा मेरा बेटा मुझे कहाँ मिलेगा? अनुमा जी प्लीज, आप ऐसा मत कीजिए, आप आइए बैठिए। देखिए मनोरमा जी, मैं ये तो नहीं जानता कि आपका बेटा अभिमन्यु आपको अभी कहां मिलेगा, लेकिन हाँ मैं ये जरूर जानता हूं कि आपको अभिमन्यु तक कौन पहुंचा सकता है। कौन है वो डॉक्टर? नियति। नियति? कौन नियति? नियति हमारे हॉस्पिटल की एक बहुत ही काबिल नर्स है, जिसे आपके बेटे ने आज सबके सामने आई लव यू कहा। जो लड़का सारे रिश्तों से दूर भाग रहा है वो एक नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहा है। आप नियति को बुला सकते हैं प्लीज? अभी नहीं, आज वो थोड़ी बिजी रहेगी, उसके घर में कुछ इश्यूज चल रहे हैं। नियति से आपकी मुलाकात कल हो जाएगी एंड होपफुली आपका बेटा अभिमन्यु भी आपको कल ही मिल जाएगा। थैंक यू, थैंक यू डॉक्टर। चलो, थैंक यू। मम्मी मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। अरे हमने तुझ पे इतना भरोसा किया और तूने ये सिला दिया हमें। ये बात तेरे पापा को जब पता चलेगी तो उन्हें सबसे ज्यादा दुख होगा। नियति तूने हमसे झूठ बोला। मम्मी मैंने कोई झूठ नहीं बोला है आपसे। मम्मी मैं आपसे सुबह से एक ही बात बोल रही हूँ। मैं सच में अभिमन्यु को नहीं जानती हूँ और ना ही मेरा उससे कोई वास्ता है। मैं खुद शॉक्ड हूँ उसने जो किया उससे। बस अब जो कुछ कहना अपने पापा के सामने कहना। मैं जानता हूं कि तुम मुझसे अपसेट हो, मतलब मुझे ही हो, तुम्हें सबके सामने आई लव यू नहीं बोलना चाहिए था, पर वो क्या है ना कि मेरा प्यार सच्चा है और इसीलिए मैंने तुम्हें सबके सामने आई लव यू बोल दिया। तुम प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानना। हाँ एक और बात, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ और भी कहना है। वो कहना कि अब तुम्हारी और मेरी लव स्टोरी इसके आगे नहीं बढ़ सकती। एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि आप अमीर हो और वो गरीब, ये? अरे नहीं छोटू, ये सारी प्रॉब्लम डेटेड हो चुकी हैं। तू कोई और नई बात कर। तो फिर सारी बातें तुझे आज ही जाननी है। नियति को तो अचानक थे और वैसे भी उसे मैं आज अपना सारा सच बताने वाला हूँ, तो तू भी सुन लेना। नहीं ठीक है भैया, आप हो इतने अच्छे, आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाए। जय माता दी। जय माता दी। कहते हैं कि आप सबकी सुनती हो, मेरी कब सुनोगी? आई लव यू। ये बात तेरे पापा को जब पता चलेगी तो उन्हें सबसे ज्यादा दुख होगा। यदि तूने हमसे झूठ बोला। यार नियति, तू ना बेवजह का गुस्सा कर रही है, छोड़ ना यार। सायरा तेरे लिए बहुत छोटी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। माँ बाप का नाराज होना चलता है, दो कड़वी बातें सुनाना, हाथ उठाना, सब चलता है, लेकिन माँ बाप का यकीन ही खो देना, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उस अभिमन्यु की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है जैसा मैंने अपनी मम्मी का यकीन खो दिया हो। मम्मी मेरा यकीन नहीं कर रही है, अब पापा भी मुझे गलत ना समझने लगे, और वो अभिमन्यु।
तो अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा ना किस्मत पर। मैंने कहा था कि हमारी मुलाकात का कोई मकसद है और वो मकसद है हमारा प्यार। Shut up! तुम समझते क्या हो अपने आप को? कोई हीरो हो जो फिल्मी स्टाइल से आएगा, सबके सामने एक लड़की को प्रपोज करेगा और वो लड़की तुम्हारी इस हरकत पर फिदा हो जाएगी, तुमसे प्यार करने लगेगी? प्यार? प्यार तो बहुत दूर की बात है। आई हेट यू अभिमन्यु, नफरत करती हूं मैं तुमसे। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी जिंदगी का बैलेंस बिगड़ गया है। मैं आम लड़की हूं और आम लड़कियों की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ। घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर, यही मेरी जिंदगी का दायरा है। लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो, घर और हॉस्पिटल दोनों जगह मेरे कैरेक्टर पर उंगली उठ रही है। मेरी माँ मेरा यकीन नहीं कर रही है। माँ के दर्द के बारे में बहुत बोलते हो ना तुम, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी माँ को कितना दर्द हुआ होगा तुम्हारी ये बकवास सुनने के बाद। मेरी बात को समझने की कोशिश करो नेति, मैं तुमसे बहुत प्यार। मेरे करीब आने की कोशिश मत करना, समझे तुम? मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी आज के बाद। नहीं पाऊंगा तुम्हारे सामने, गलती मैंने की है ना तो उसकी सजा भी मैं खुद ही खुदूंगा। बहुत बुरा हूं मैं, सबको तकलीफ पहुंचाता हूं, सब मुझसे परेशान है, इसलिए तो सबसे भाग रहा हूं। मैंने तुम्हें हर्ट किया नियति, मैंने तुम्हें हर्ट किया। I'm sorry. मैं ऐसा नहीं हूं, मैं बहुत बुरा हूं। बहुत बुरा हूं। माँ को पता चलेगा तो माँ बहुत नाराज होंगी, बहुत नाराज होंगी।
नहीं आदि, चलो यहाँ से। सायरा तूने देखा वो कैसे बिहेव कर रहा था? उसने अपने आप को कितनी चोट पहुंचाई। मैंने उसे थप्पड़ मारा था तो उसे मुझे मारना चाहिए था, मुझे चोट पहुंचानी चाहिए थी, लेकिन वो तो खुद को ही। मैं खुद हैरान हूँ उसे देख के। कुछ देर पहले मुझे वो दुनिया का सबसे समझदार और अच्छा लड़का दिखाई दे रहा था, और उसने जो अभी किया उसके बाद से मैं खुद हैरान हूँ। प्लीज चलो ना। चलो चलो।